हेलो दोस्तों, चलिए हम आज बात करने वाले हैं इस वायरल कपल के बारे में। इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। अगर आप इन्हें ऐसा वैसा सिंगर समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। द कंपोजर, सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर परंपरा ठाकुर एंड सचेत टंडन। इन्होंने बेख्याली, मेरे सोनिया, पल पल दिल के पास और मुकाबला जैसे बड़े बड़े सॉन्ग्स बॉलीवुड को दिए हैं। और अभी पॉपुलर हुआ सॉन्ग छोड़ दिया सॉन्ग भी इन्होंने ही गाया है। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। चलिए इनकी बायोग्राफी जान लेते हैं। सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परंपरा ठाकुर के बारे में। 28 फरवरी 1992 को यूपी के नोएडा की म्यूजिकल फैमिली में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम परंपरा ठाकुर रखा गया। इनके पापा मम्मी सिंगर थे। इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद 2015 में द वॉइस ऑफ इंडिया में ऑडिशन दिया। जब ये 23 साल की थी, पहले ही ऑडिशन में इनका सिलेक्शन हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं सचेत टंडन के बारे में। 17 अगस्त 1989 में यूपी के लखनऊ में एक पंजाबी फैमिली में एक लड़के का जन्म हुआ, उसका नाम सचेत टंडन रखा गया। इनकी फैमिली में किसी को भी म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं था। इन्हें बचपन में ही गाना गाने का बहुत शौक था। ये जब भी स्कूल में कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता था, ये हमेशा पार्टिसिपेट करते थे। जब ये कॉलेज में थे तब इन्होंने बैंड ज्वाइन किया, जिसमें एक गाना गाया करते थे। कॉलेज के बाद इन्होंने बहुत ऑडिशन दिए पर इनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब ये द वॉइस ऑफ इंडिया में ऑडिशन देने गए, तब इन्होंने सोचा था कि ये मेरा लास्ट ऑडिशन है और अगर मैं इसमें कामयाब नहीं हुआ तो मैं म्यूजिक छोड़ दूंगा। लेकिन इनकी आखिरी कोशिश ने कमाल कर दिया। ऑडिशन के बाद द वॉइस ऑफ इंडिया में इनका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद परंपरा ठाकुर और सचेत टंडन को साथ काम करने का मौका मिला। सबसे पहले मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा में इन्हें गाने का मौका मिला। फिर सॉन्ग पल पल दिल के पास इन दोनों ने गाया और 2019 इनके लिए सबसे बेहतरीन साबित हुआ। इन्होंने कबीर सिंह मूवी में बेख्याली सॉन्ग गाया, जो कि सुपर डुपर हिट रहा। इसके बाद इन दोनों को कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले। और अभी वायरल हुआ दोनों का छोड़ दिया सॉन्ग, जो कि काफी सुपर डुपर हिट रहा। देंगे तुम्हें रोने ना देंगे, पल पल बाद याद आएंगे, सोने ना देंगे। ये म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर भी है। 27 नवंबर 2020 को इन दोनों की शादी हुई। अब ये अपनी शॉर्ट्स वीडियो और रील्स के लिए काफी वायरल हैं। इन शॉर्ट्स के चलते ही इनका एक शॉर्ट वीडियो इतना वायरल हो गया कि ये रातों रात पॉपुलर हो गए और लोग हैरान हैं यह सोचकर कि कोई इतना अच्छा कैसे गा सकता है। कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा, लोग इनकी वॉइस के दीवाने हो गए। सो गाइज, ये वायरल कपल की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।